हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं उमेश सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि जो 12 तारीख को जो ट्विटर कैंपेन चलाया गया था वो सक्सेसफुल रहा। देखिए, जितने भी रेलवे ग्रुप डी के स्टूडेंट थे सभी ने भरपूर साथ दिया है और सभी ने यूनिटी दिखाई है, एकता दिखाई है कि हम एक हैं और अब एग्जाम करा के ही मानेंगे। तो सभी का बहुत ही अच्छा साथ रहा और ट्विटर कैंपेन बहुत ही अच्छा रहा और हमने तीसरे नंबर तक ट्रेंड किया। कहाँ तक पहुँचे हम? तीसरे नंबर तक हम ट्रेंड करने में सफल रहे और जो ट्वीट्स हुए स्टूडेंट की तरफ से वो 1 मिलियन प्लस हुए। कितने हुए? 1 मिलियन प्लस ट्वीट हुए हैं और इसने पूरी सरकार में खलबली मचा दी है कि अगर अब हमने एग्ज़ाम नहीं कराया तो रेलवे ग्रुप डी के जो विद्यार्थी हैं कहीं सड़क पर ना उतर आएँ। तो इसीलिए सभी सतर्क हो गए हैं और आपका एग्ज़ाम कराने के बारे में पूरा प्लान चल रहा है। और जो एग्ज़ाम आपका NTPC का है वो आपका 31 जुलाई को ख़त्म हो जाएगा। जैसे ही एग्ज़ाम ख़त्म होगा तो उसके बाद केवल और केवल ग्रुप डी का ही एग्ज़ाम इन्हें कराना है और ग्रुप डी का एग्ज़ाम ही जैसे स्टार्ट कराएंगे तो उसकी प्लानिंग ये अभी से स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये नए अभी रेल मंत्री बने हैं तो इनके ऊपर भी जिम्मेदारी आती है कि इनको स्टूडेंटों के लिए कुछ ना कुछ करके दिखाना चाहिए जिससे कि इन पर भरोसा किया जा सके। पहले वाले जो रेल मंत्री थे उन्होंने काफ़ी गड़बड़ की, उन्होंने अच्छा काम नहीं किया, तो ये उनसे अच्छा काम करने की कोशिश करेंगे। ये नए रेल मंत्री जो हैं ये स्टूडेंटों का दिल जीतने की कोशिश करेंगे और जो एग्ज़ाम डेट है उस पर पूरा पूरा काम करेंगे और ये अगस्त में यानी कि अगस्त माह में आपकी एग्ज़ाम डेट घोषित कर देंगे कि इस तारीख से आपके पेपर होने तय हैं। तो अगस्त में जब एग्ज़ाम डेट घोषित करेंगे तो ये समझिए कि 1 महीने का समय लगेगा। तो सितंबर का जो लास्ट वीक है यहाँ आपकी पूरी उम्मीद है कि सितंबर के लास्ट वीक में आपका एग्ज़ाम 100% करा दिया जाएगा। तो आपका एग्ज़ाम अब 100% सितंबर में हो सकता है, इसकी पूरी पूरी संभावना बनी हुई है, क्योंकि इनको भी कुछ करना है, कुछ ना कुछ करके दिखाना है, तभी ये रेल मंत्री के पद पर आगे के लिए बने रहेंगे। अगर ये भी ऐसे ही रहे तो इनको भी हटा दिया जाएगा या इनको इस्तीफा देना पड़ेगा। तो इसीलिए आपका एग्ज़ाम अब ज़्यादा दूर नहीं है, आपके पास अब 2 महीने से ज़्यादा का समय नहीं है, तो आप अब पढ़ाई में लग जाइए और पूरी मेहनत से कीजिएगा, क्योंकि अगर आपने इस बार पढ़ाई नहीं की और ये एग्ज़ाम आपसे निकल गया तो हो सकता है कि अगली वैकेंसी आने में काफ़ी टाइम लगे और आपका सपना अधूरा ही रह जाए कि हम एक गवर्नमेंट जॉब लेंगे, वो सपना आपका अधूरा रह सकता है। तो इसी चांस को आप लास्ट एंड फाइनल चांस मानिए। तो अब आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी में पूरी तरह से लग जाइए, क्योंकि 2 महीने से ज़्यादा इसमें समय अब नहीं लगेगा, 2 महीने में ही आपका एग्ज़ाम स्टार्ट करा दिया जाएगा। तो आप अपनी तैयारी ऐसी रखें, ऐसी इस तरह से तैयारी करें जिनकी तैयारी कम्प्लीट हो गई है वो बार बार रिविज़न करें। ये चांस बस चूकना नहीं चाहिए, कसम खाइए कि इस बार रेलवे पार और हमें एक जॉब लेनी ही है। तो इस बार गाड़ दो झंडा और दिखा दो कि हम भी कुछ कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, धन्यवाद।